दोस्तों अभी आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि ईडी ने एमवे पर छापा मारा था और एमवे की जो सारी संपत्तियां हैं, काफी संपत्तियां यानी कि और काफी उनकी ऐसी चीजें, वो सारी जब्त कर ली है ईडी ने। और दोस्तों उस पे ना तरह तरह के बातें लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आई स्टैंड विद एमवे, ये स्टैंड विद एमवे, मतलब फलाना ढिमकाना, आपको इतनी चीजें मिल जाएंगी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की इस एमवे कंपनी के लिए, जो कि आज तक है ना, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आज तक शायद कभी दिखे भी नहीं होंगे, वो भी अपने फेसबुक पोस्ट पे डाल ले आई स्टैंड विद एमवे। तो ऐसे लोगों पे ना मतलब मुझे बहुत हंसी आ रही है। लेकिन दोस्तों इन्हीं सभी पोस्टों के बीच मुझे एक पोस्ट बहुत अच्छी दिखाई दी, मैं आज आपके साथ वो पोस्ट शेयर करने जा रहा हूँ। और दोस्तों वाकई में आपको है ना, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है तो वाकई में है ना आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये बहुत गहराई की चीज़ है, मुझे नहीं पता आपको समझ में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सच्चे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपको समझ में जरूर आएगी दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SH मित्तल ब्लेस्ड पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग की उस दन दनाती पोस्ट पर जो कि मुझे इन सब पोस्टों के बीच में दिखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों अभी मैंने अपने फोन की गैलरी खोल ली है और हम उस चीज पे आ गए हैं जिस चीज के बारे में हमें बात करनी है। दोस्तों ये मेरे फेसबुक का स्क्रीनशॉट है और मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था क्योंकि कई बार स्क्रीनशॉट लिया नहीं जाता है। दोस्तों ये मिसेज सरिता राज जी हैं, ये आप में से शायद बहुत कम लोग जानते हो या हो सकता है जानते भी हो। मैम वेस्टीज में DUCD यानी कि डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जो कि सबसे बड़ा लेवल है, उस पर मैम रह चुकी हैं और आज के टाइम में मैम वेस्टीज में वर्किंग नहीं है। वो कुछ इंटरनल उनके रीजंस हैं जिस वजह से वो आज के टाइम में वेस्टीज में वर्किंग नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैम के साथ क्या गलत हुआ है वेस्टीज मैनेजमेंट के द्वारा, DUCD लेवल के बंदे से, DUCD लेवल का जो बंदा है उसके साथ भी आपकी मैनेजमेंट गलत कर रही है। और आज देखिए उन लेडी ने, सरिता राज मैम ने अपनी फेसबुक पे क्या पोस्ट किया है जब एमवे के साथ ये कांड हुआ है कि भाई साहब ईडी ने एमवे पे छापा मार दिया। तो मैम ने अपनी फेसबुक पे पोस्ट किया है कि व्हाई ओनली डिस्ट्रीब्यूटर्स आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया #IAmWithEmwe, व्हाई नॉट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया हु क्लेम्ड टू बी लिजिट आर स्टैंडिंग टुगेदर, व्हाट इज कुकिंग। मैम ने बिल्कुल सही लिखा है कि केवल डिस्ट्रीब्यूटर ही सोशल मीडिया पे IAmWithEmwe पोस्ट क्यों कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इंडिया में क्यों नहीं कर रही ये पोस्ट, IAmWithEmwe क्यों नहीं ये पोस्ट कर रही। और मैम ने ये क्लियर लिखा है कि व्हाट इज कुकिंग, कि भाई साहब क्या पक रहा है अंदर, क्या खिचड़ी पक रही है। इसके बाद दोस्तों अगर आप आगे आएंगे तो ये मैम ने अपनी फेसबुक की स्टोरी पे पोस्ट किया था और ये लिख के क्लियर डाला हुआ है सरिता राज मैम ने, जो कि DUCD थी वेस्टीज की, अभी है भी वैसे DUCD वेस्टीज की, उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है व्हाई नॉट #OriflameStandsWithEmwe #HerbalLifeStandsWithEmwe #ForeverLivingStandsWithEmwe #ModiCareStandsWithEmwe #RCMStandsWithEmwe #VestedStandsWithEmwe #IMCStandsWithEmwe क्यों नहीं डाल रही दोस्तों आपकी कंपनियां ये पोस्ट, क्यों नहीं पूछ रहे आप अपनी कंपनियों से, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर क्या केवल आप ही की जिम्मेदारी है। और मैम ने आगे लिखा है एंड लिस्ट गोज ऑन, मैम ने बिल्कुल सही लिखा है कि ये तो इन्होंने कुछ कंपनियों के नाम यहाँ पे केवल मेंशन किए हैं, अगर ये कंपनियों के नाम मेंशन करेंगे तो बहुत कंपनियां हो जाएंगी। तो ये मैम ने क्लियर लिखा है व्हाई नॉट, क्यों नहीं कंपनियां क्यों नहीं पोस्ट कर रही, क्या बिजनेस और इंडस्ट्री को बचाने की जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूटर के ही सर है। ये बिल्कुल सही बात है भाई, डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या हर चीज का ठेका लिया हुआ है, मतलब कंपनी की कोई गलती हो तो डिस्ट्रीब्यूटर बचाए, इंडस्ट्री कोई गलती हो तो डिस्ट्रीब्यूटर बचाए, अगर कोई दूसरी कंपनी पिस रही है उस पर ईडी ने छापा मारा है तो उस पर भी डिस्ट्रीब्यूटर आगे आ रहा है। भाई आपकी जो रिस्पेक्टिव कंपनियां हैं वो क्यों नहीं आगे आ रही, वो क्यों नहीं अपने सोशल मीडिया से लाइव आके बोल रही है कि भाई हम एमवे के साथ खड़े हैं, या अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट क्यों नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो केवल आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को बस इस चीज के लिए रखा हुआ है। और मैम ने आगे देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है और एवरीवन वेटिंग फॉर देयर टर्न, मतलब हर कोई क्या अपना इंतजार कर रहा है क्या, अगर कल को वेस्टीज वालों के साथ ये होता है, RCM वालों के साथ ये होता है, मोदी केयर वालों के साथ ये होता है, फॉरएवर वालों के साथ ये होता है, जो एमवे के साथ हुआ है, तो क्या तब वो अपने लाइव में आके बोलेंगे कि मैं अपनी कंपनी के साथ खड़ा हूँ। आज दूसरी कंपनी की बार आई है तो ये कोई कंपनी नहीं बोल रही है। मैम ने क्लियर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि मतलब ये सब लोग अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या, और बस तब तक क्या है, तब तक बिजनेस होता रहे, किसी को कोई परवाह ही नहीं है, इंडस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूटर्स की किसी को परवाह नहीं है। मैम ने बिल्कुल सही लिखी है कि ना तो इंडस्ट्री की परवाह है, क्योंकि इंडस्ट्री तभी ग्रो करेगी जब सब लोग अच्छा करेंगे, बिजनेस सही तरीके से होगा, साफ सुथरे तरीके से होगा, बल्क बाइंग नहीं होंगी, लोग अपने फायदे की बजाय दूसरों के फायदे में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन यहाँ पे तो केवल अपने अपने फायदे में इंटरेस्टेड है। उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर भी पिस रहा है, उसको तो पता ही नहीं चल रहा,
चार से पांच साल से डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ, उनको पैसे ही नहीं आ रहे, लेकिन बस मोटिवेशन में और भक्ति में ऐसा लगा रखा है उनको, पैसे आ नहीं रहे लेकिन बस भक्ति में लगे हुए हैं। सबसे रिश्ते खराब कर लिए उन्होंने, ए टू जेड, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, हर किसी से उन्होंने रिश्ते खराब कर लिए इन कंपनियों के चक्कर में, और मिला क्या? ठेंगा। अधिकतर लोगों की बात है ये, अधिकतर लोगों को ठेंगा मिल रहा है, लेकिन वो अधिकतर लोग पता नहीं आके क्यों नहीं बोलते। दोस्तों ये तो एमवे की बात है, आज एमवे कंपनी के ऊपर ये ईडी ने जो छापा मारा है उसके ऊपर मैम ने ये पोस्ट डाला है, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर पूरे सपने लेके इनके यहाँ पे आता है और फिर भी ये उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाते कंपनी वाले, कई बार कंपनी वालों की भी गलती होती है, तो क्या तब कंपनी वाले बोलते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ काम करो? नहीं बोलते। कंपनी वाले तो ये बोलते हैं भाई साहब परचेजिंग करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, और आएंगे। ये मुंह पे आपको ये नहीं बोलते, लेकिन पीठ पीछे इन लोगों की यही बातें होती हैं। तो ये कोई कंपनी भी है ना, कोई भी कंपनी एमवे के साथ नहीं खड़ी है आज के टाइम में, एमवे की इस दुर्दशा के बाद जो ईडी ने उसकी दुर्दशा करी है, क्योंकि हर कंपनी अपनी पूंछ बचाने में लगी हुई है, दूसरी कंपनी भले ही बर्बाद हो जाए। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर आज लगा रहे हैं ना अपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पे जो ये लगा रहे हैं, ये भी बस देख लेना, कुछ दिन गा के रुक जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा दोस्तों। और ये आपकी सो कॉल्ड कंपनियों ने तो बिल्कुल ही कसम खा रखी है कि चाहे दूसरी कंपनी मर जाए, ये तो दूसरी कंपनी की तारीफ करने से बचते हैं, है ना। ये हर बंदे को क्या सिखाते हैं कि बस हमारी कंपनी बेस्ट है, ये कभी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये बोलना ही नहीं सिखाते कि हमारी कंपनी वन ऑफ द बेस्ट है, कि बेस्ट में से एक है, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, बस हमारी कंपनी ही बेस्ट है, इसलिए ये लोग आज के टाइम में दूसरी कंपनियों के साथ नहीं खड़े हैं। और दोस्तों आपको सोशल मीडिया पे कभी भी ओरिफ्लेम कंपनी की तरफ से, हर्बल लाइफ कंपनी की तरफ से, एफएलपी की तरफ से, मोदी केयर की तरफ से, आरसीएम की तरफ से, वेस्टीज की तरफ से, आईएमसी की तरफ से, किसी भी कंपनी के ओनर की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से ये नहीं मिलेगा कि वो एमवे के साथ खड़ी है। कंपनी का नहीं होगा हैशटैग, केवल आप डिस्ट्रीब्यूटर्स का हैशटैग लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। संभल जाओ दोस्तों, संभल जाओ। जिन कंपनीज ने, जिस इंडस्ट्री ने इतने बड़े बड़े लेवल के, जो कि DUCD लेवल की जैसी मैम है सरिता राज, उन जैसे लेवल के बंदों के साथ विश्वासघात किया है, तो आप तो आज के टाइम में 5%, 8%, 10%, 11%, उसके अलावा दोस्तों सिल्वर डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, इन जैसे लेवल पे होंगे। मैं वेस्टीज के लेवल्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन बात मैं हर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से कर रहा हूँ। तो समझ जाओ, जो कंपनी दूसरी कंपनी के साथ नहीं खड़ी हो सकती, वो कंपनी क्या इंडस्ट्री को पहचान देगी, और क्या आपको पहचान देगी, और क्या आपके सपने पूरे करेगी। देखा दोस्तों, अब इस पोस्ट ने और इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया होगा कि केवल डिस्ट्रीब्यूटर ही क्यों ये डाल रहा है कि आई स्टैंड विद एमवे, मैं स्टैंड विद एमवे, मतलब क्यों डिस्ट्रीब्यूटर ही कंपनी क्यों नहीं डाल ली, वेस्टीज क्यों नहीं कह रही, ओरिफ्लेम क्यों नहीं कह रही, टपरवेयर क्यों नहीं कह रही, ऐसी और काफ़ी कंपनियां हैं दोस्तों, नाम लेते लेते शायद बहुत देर हो जाए, लेकिन आपको अपनी मैनेजमेंट से सवाल करना चाहिए कि उनकी मैनेजमेंट लाइव आके या फिर अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज़ें क्यों नहीं डाल रही है। दोस्तों किसी की भी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अब तक ये दिखा नहीं है, केवल हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर ही क्यों पिसे, कंपनी क्यों नहीं पिस रही, क्योंकि दोस्तों कंपनी तो अपना बिजनेस कहीं ना कहीं से कर लेगी। अगर गवर्नमेंट ने ये मॉडल चेंज भी कर दिया मल्टी लेयर वाला, यानी कि हर लेयर पे पैसा नहीं बटेगा, तो भी कंपनियों के लिए तो बढ़िया है ना, कंपनियों की तो ब्रांडिंग हो गई, आपका एज ए डिस्ट्रीब्यूटर क्या होगा। तो दोस्तों ये चीज़ें सोचने की हैं, आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे, आप बेवकूफ़ी में लगे हुए हैं कि आपके सीनियर ने डाला आई स्टैंड विद एमवे, मैं भी डाल देता हूँ आई स्टैंड विद एमवे, क्या यार बेवकूफ़ पंक्ति में लगे हुए हो। तो दोस्तों यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो इस चीज़ को। थैंक यू सो मच दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हर बंदे के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और हर बंदा इन चीज़ों से अवेयर हो सके और खुद को सचेत कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।